गुरमीत जी, कुंदर साहब, गुरमीत कुंदर जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। आपके मार्गदर्शन से प्रशासन ने काम किया ये कोरोना का है, कोरोना जाएगा तो बताएंगे। दुकानें बंद है, कोरोना का पालन कर रहे हैं जी, घर से नहीं निकलते। तो गंगानगर जिला आपकी दया से एकदम साफ रहा। अच्छा, जी आया। और यहाँ की कुछ लोकल समस्याएं भी खड़ी हुई है जी, जैसे शुगर मिल चलते चलते बंद हो गई, लोगों का गन्ना रह गया। अब शुगर मिल द्वारा चलाई नहीं जा सकती, इतना गन्ना नहीं है। हरियाणा में 3-4 मिलें चल रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हरियाणा वालों से बात करके जितना बचा हुआ गन्ना है वो हरियाणा चला जाए, तो जहाँ पे काश्तकारों को गन्ना जलाना नहीं पड़ेगा, एक तो ये था। दूसरा है जी, आपने MLA लैंड पूरा बंद कर दिया, तो कुछ सरकारी काम है छोटे छोटे, चाहे वो नगर पालिका के है जो बरसात से पहले वो खाड़ा नाला बनाना है, चाहे वो नहरों की सफाई है, तो वो थोड़े थोड़े पैसे वाला कोई 5-5, 4-4 लाख वाले काम है जो सरकार के करने के हैं। सरकार इतनी जल्दी कर नहीं सकती, लेकिन वो MLA लैंड से थोड़े बहुत पैसों की और छूट दे दो, सरकार के खाते से जाए और सरकार ही उसको लगाए। और हमारे प्रवासी मजदूर भी हैं जी, ज़्यादा तो नहीं है, यूपी के लोग जो गन्ना की सिलाई के लिए आते हैं। तो अब जैसे ट्रेन, नियालचंद जी कह रहे थे ट्रेनें चल रही हैं, तो चल रही हैं, तो वो उनके जाने की व्यवस्था हो जाए। सबसे बड़ी बात, अब गेहूँ की खरीद चल रही है जी, और 2% जो मंडी शुल्क बढ़ाया उसके कारण सारी मंडियाँ बंद पड़ी है, तो इसका भी कोई हल निकालो। 1% कर लो तो सारे राजी हो जाएंगे, 1% पे सब राजी हो जाएंगे और काम भी चल जाएगा। और गेहूँ और चना और सरसों का समर्थन मूल्य पर खरीद चल रही थी, वो खरीद चली 2 दिन, उसके बाद कहता जी हमारा कोटा पूरा हो गया। 2 दिन में कितनी खरीदी, 300-400-500 क्विंटल खरीदी होगी। किसान देख रहे हैं सरसों वाले, गन्ने वाले और जो सरसों वाले, चने वाले के हमारा कोई नंबर आए कभी, क्या खरीदो तो ठीक है, देखो छूट दे दो, बेचो चाहो, नहीं खरीदेगी सरकार, लेकिन दे के बैठे रहे जी बहुत लंबा काम चल जाएगा। ज़्यादा कुछ और समस्याएँ तो बहुत हैं, लेकिन अब समय है नहीं उनको पे चर्चा। थैंक यू, धन्यवाद।